से कहीं जगह दिख नहीं रही है और आप ऐसे ही कहीं गाड़ी नहीं लगा सकते हो। वो जा रहे हैं एग्जिट, अभी एक ही महीना हुआ है उनको। तो दोस्तों जामा से आने के बाद मैडम ने कहा थोड़ा वेट करो, मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो चलो चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि मैडम को कहीं जाना है तो मैडम को छोड़ देते हैं एयरपोर्ट। दोस्तों मैडम को एयरपोर्ट छोड़ दिए, लेकिन मैडम बोली कि थोड़ा वेट करो, कहीं गाड़ी लगा करके 10 मिनट, हो सकता है कोई सामान वापस करना हो तो मैं कॉल करूंगी, चले आना वापस ले जाना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी, या तो पार्किंग में लगाएं या तो बाहर जा करके कहीं लगाएं। तो उसने कहा ठीक है, कहीं भी लगा लो, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद मैं कॉल करूंगी, अगर सामान निकल जाएगा मेरा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं निकलता है तो आ जाना वापस ले जाना सामान को। मैंने कहा ठीक है, तो फिलहाल अब गाड़ी को कहीं करते हैं पार्क, देखते हैं कहीं ठीक ठाक जगह। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप आएंगे ना, तो वैसे तो कहीं जगह मिलती नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, फिलहाल कोशिश कर रहे हैं, फिर मिल जाती है कहीं तो गाड़ी खड़ी करते हैं, देखते हैं। कहीं जगह दिख नहीं रही है और आप ऐसे ही कहीं गाड़ी नहीं लगा सकते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है यहाँ पर सऊदी अरब में, आप कहीं भी इस तरह गाड़ी नहीं लगा सकते हो। तो फिलहाल देखते हैं, जहाँ जगह मिलेगा वहीं खड़ी करेंगे। तो दोस्तों मैडम ने कहा थोड़ा वेट करने के लिए और हमको मिल गई एक जगह बहुत प्यारी सी, और यहाँ हम कर रहे हैं इंतज़ार और गाड़ी ये हमारी खड़ी है, गाड़ी को कर दिए हैं रोड के किनारे खड़ी ये, और हम यहाँ पर कर रहे हैं एंजॉय। बहुत मस्त जगह है और मुझे लगता है कि जब किसी को वेट करना होता है थोड़ा, तो यहीं पर गाड़ी खड़ी करके इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ की तमाम आई गई हैं, निशान पड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, बने रहिए वीडियो में। वीडियो जो है शाम को, ये ब्लॉग जो है शाम को ख़त्म होगा, जब दूसरी बार अभी एयरपोर्ट आना है, जो एक हमारे मित्र हैं सब बताएंगे उनको छोड़ने के लिए, वो जा रहे हैं एग्जिट, अभी एक ही महीना हुआ है उनको, एक डेढ़ महीना हुआ होगा, तो वो जा रहे हैं एग्जिट, उनकी तबीयत ख़राब थी, क्या प्रॉब्लम था सब कुछ बताएंगे वीडियो में, बने रहिए। फ़िलहाल अभी थोड़ा करते हैं एंजॉय। तो दोस्तों घूमते घूमते हम आए, थोड़ा सा देख रहे थे ये क्या है, तो ये इधर जो है, दरअसल ये टोटल पहाड़ी पर सब कुछ है, ठीक है, तो ये नीचे का एरिया है, ये जैसे अपने यहाँ एक नदी होती है ना, लेकिन नदी नहीं है, नदी के तरीके ही बना दिए हैं, ठीक है, फिलहाल इसमें पानी वानी नहीं है, देख रहे हैं काफ़ी लंबा है
एक किलोमीटर में तो होगा ही। तो दोस्तों मैडम का कॉल आया, बोल रही कि जाओ रूम पे, सामान मुझे लगता है उसका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेके चली जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं रूम पे। सब आ गए हैं एयरपोर्ट और गाड़ी कर दी है पार्क, भाई को छोड़ने जा रहे हैं, भाई जा रहा है इंडिया और क्यों जा रहा है ये कभी बताएंगे, फिलहाल तो बने रहिए वीडियो में। अभी चलते हैं अंदर, भाई को बोर्डिंग वोडिंग करवा करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों छोड़ दिया है, अब चल रहा हूँ रूम पे, अब क्या ही बताएं, सारा कुछ डिटेल हम बताएंगे। अभी आए एक महीना ही हुआ और क्यों जाना पड़ा, क्यों छोड़े, क्या मैटर है, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, अभी ब्लॉग थोड़ा सा और बाकी है।